नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। बाशिंदे हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, तो हमारा भी मतलब इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। सब जिस तरीके से दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारे साथ भी करना चाहिए। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी गरीब लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, तो हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करते। दूसरे लोगों को दिया जाता है, हमारे को नहीं दिया जाता, तो ये भी गलत है ना। सबको ये भी बवाल जो आया हुआ है वो तो पूरी मुल्क पे, पूरी दुनिया पे सब इंसान बराबर है। इसमें तो कोई ये बवाल, ये कंगों वाली उसको तो नहीं देख रहा, ये हिंदू है या ये मुसलमान है, तो सब सबके लिए है ये तो। लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें हैं, यहाँ हमारे को कोई कोऑपरेट नहीं करता। ईसाई बिरादरी है, हिंदू बिरादरी है, हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता इस चीज़। ये वीडियो पाकिस्तान का है जिसे समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट किया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना संक्रमण का असर दिख रहा है। 2000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, 26 लोगों की मौत हो चुकी है। गरीब मुल्क है, प्रशासन के हाथ बंधे हैं, ऐसे में जो मदद हो रही है वो धर्म के आधार पर भेदभाव कर रही है। ये घटना भारत के लिए एक सबक की तरह है कि भारत कभी पाकिस्तान की राह पर ना चले और मजहब के आधार पर भेदभाव ना करे। भारत के लिए ये सबक भी है कि किसी का भी मजहब उसकी मूर्खताओं को बचाने में ढाल की तरह काम ना आए। बाकी पाकिस्तान को तो हम सुझाव दे सकते हैं कि अरे मूर्खों, लड़के मुल्क लिया था, कम से कम जो तुम्हारे मुल्क में लोग हैं उनकी हिफाजत तो करो। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। सबसे पहले आंकड़े। दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है 8,60,000 के पार। स्वस्थ हुए हैं 1,78,000 लोग। मौतों का आंकड़ा 42,000 से ऊपर। पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज़्यादा लोग मरे। दुनिया में कुछ कोरोना हॉटस्पॉट्स बन गए हैं, उनकी बात करेंगे। इटली में अब भी रोज़ाना तकरीबन 800 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन मौतों की दर अब स्थिर होने लगी है। संक्रमण भी पहले से कम हो रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि इटली अब अपने पीक के करीब नज़र आ रहा है। उधर स्पेन में 31 मार्च को 849 मौतें हुई। ये स्पेन के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहाँ पर मौतों का कुल आंकड़ा 8,400 को पार कर चुका है। अमेरिका, वहाँ चीन से ज़्यादा संक्रमण के मामले पहले ही थे, अब मौतों के मामले में भी अमेरिका चीन से आगे हो गया है, 4,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। फ्रांस भी चीन से आगे निकल चुका है। अब भारत की बात करते हैं। संक्रमण कुछ जोर पकड़ता नज़र आ रहा है। 24 घंटे में संक्रमण के 300 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत हुई। मौतों का कुल आंकड़ा पहुंचा 53 पर। मुंबई से खबर आई 75 साल के शख्स की मौत की। 2 मौतों की खबर पश्चिम बंगाल से भी आई। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा हो गया 1,720। असम, झारखंड जैसे कई नए राज्य इस कोरोना मैप पर जुड़ रहे हैं। एक राहत देने वाली खबर भी है। चेन्नई में मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट है, ये गणना कर रहा है कि एक संक्रमित मरीज से कितने लोगों में संक्रमण फैल सकता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक सीताभ्रा सिन्हा के हवाले से खबर छपी। इसमें दावा है कि भारत में 25 मार्च तक संक्रमण फैलने की दर 1.81% है। यानी यदि 100 लोगों को कोरोना हो रखा है तो उनसे 181 लोगों में और कोरोना फैल सकता है। आप कहेंगे ये अच्छा कैसे है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ये रेट बहुत कम है। एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है लैंसेट, इसके मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमण की सामान्य दर 2 से 3 तक है। यानी हर 100 संक्रमित मरीजों से 200 या 300 लोगों को कोरोना हो रहा है और हमारी है 1.81, इसलिए राहत की खबर है। कल हमने आपको दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स के संक्रमण की खबर बताई थी, आज वहाँ पर भी अपडेट है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले, वो क्लिनिक थे, ये अस्पताल है। दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल के पेडियाट्रिक्स विभाग यानी जो बच्चों का विभाग होता है उसके डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। अनुमान है कि संक्रमण डॉक्टर की पत्नी से उनमें आया। 26 मार्च को डॉक्टर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकली थी, वो सफदरजंग अस्पताल के बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करती हैं। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में तैनात एक डॉक्टर में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, यानी कि लक्षण मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान या संक्रमण से निपटने के दौरान यदि किसी स्वास्थ्यकर्मी की मौत होती है, उन्होंने शहीद शब्द इस्तेमाल किया, तो सरकार उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपये देगी।
इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार तो ये ऐलान कर ही चुकी है कि देश के सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख के जीवन बीमा का ऐलान, यानी उनको 50 लाख का बीमा कवर मिलेगा। कई लोगों ने कहा कि इसके जो फाइन डिटेल्स हैं उन पर भी काम होना चाहिए कि जो प्राइवेट वर्कर्स हैं जो इस काम में लगे हैं उनको भी कवर किया जाना चाहिए केंद्र के द्वारा। इसके अलावा क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय है जिसकी रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सरकार ने बताया कि ट्रेनों में आइसोलेशन वार्ड बनाने की स्कीम बड़े स्तर पर लागू की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रेनों के डब्बों में 3,20,000 आइसोलेशन और क्वारंटीन वार्ड्स बनेंगे। इसके लिए रेलवे के 20,000 कोच इस्तेमाल किए जाएंगे। बड़ी खबर में अब बात कोरोना संक्रमण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट की, मरकज निजामुद्दीन जो नई दिल्ली में तबलीगी जमात का मुख्यालय है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों सोते रहे और एक जानलेवा संक्रमण के खतरे के बावजूद राजधानी दिल्ली में 4,000 से ज्यादा लोग जमात के लिए जुटे। हद दर्जे की ये लापरवाही कितनी महंगी पड़ी ये अभी पूरी तरह सामने भी नहीं आया। जमात में शामिल लोगों के साथ कोरोना संक्रमण 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा। तेलंगाना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी कि निजामुद्दीन इलाके में आलमी मरकज बिल्डिंग को 1 अप्रैल की सुबह 4 बजे पूरी तरह खाली करा दिया गया। बिल्डिंग से 2,361 लोग निकले जिनमें से 617 को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, बाकी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के मौलाना साद और अन्य के खिलाफ महामारी कानून 1897 के तहत केस भी दर्ज किया है। मौलाना साद ही तबलीगी जमात के अमीर यानी कि मुखिया हैं, लेकिन मौलाना हैं कि टस से मस नहीं हो रहे। उनके दो ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ धर्मांध कहने से काम नहीं चलेगा। उनकी बातों का वैज्ञानिक या धार्मिक किसी भी तरह के लॉजिक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। सुनिए, कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। यह ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूं अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में यह नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई होने से। आदमी यह कहे कि मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए और मस्जिदों को ताले लगा देने चाहिए, किसी बीमारी बढ़ेगी, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। हाँ, एहतियाती तदाबीर अपनी जगह हैं, लेकिन इस ख्याल से मस्जिदों को छोड़ देना कि इससे अजाब बढ़ेगा, ये अल्लाह ताला के दस्तूर, खुलफा राशिदीन के मामूल और सहाबा किराम के तरीके और अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ। वहां तो हर अजाब के, हर वबा के आने के वक्त मस्जिदों की तरफ बिल इरादा आया जाता था और इस जमाने में अजाब और वबा को हटाने के लिए मस्जिद को बिल इरादा छोड़ा जाए। सोचो तो सही, कितना गलत इकदाम है। अल्लाह जज़ाए खैर दे उलमाए हक को कि वो इस बात पर जमे हुए हैं कि मस्जिदों को किसी भी हाल में बंद करने का कोई सवाल और उसका कोई जवाब कहीं भी नहीं। मौलाना ये मानने को तैयार ही नहीं, वो ये समझाना चाहते हैं कि सब उनके हिसाब से है। वो समझना नहीं चाहते कि मरने के लिए कोई जगह अच्छी नहीं होती, न मस्जिद न अस्पताल। धर्मगुरुओं के लिए कहना आसान होता है लेकिन मरने वाले को अपनी मौत की जगह कभी अच्छी नहीं लगती। उल्टा वो लोगों को मस्जिदों की तरफ भेजने में लगे हैं। ये मूर्खतापूर्ण नहीं तो क्या है, मैं बताता हूँ क्या है। ये अपराध है, गुनाह है, क्रिमिनल नेचर है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन पर इस महामारी एक्ट के अतिरिक्त भी कार्रवाई हो ताकि हमेशा के लिए हर धर्मगुरु के लिए ये नज़ीर बन जाए। अब पूरे देश में तबलीगी जमात में शामिल होकर आए लोगों को ट्रेस करने के लिए बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ धर्मांध लोग इस कवायद के आड़े आ रहे हैं। यूपी के बिजनौर की एक मस्जिद से 5 लोगों पर इंडोनेशिया से आए 8 तबलीगी जमात के सदस्यों को कथित रूप से छिपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इन सदस्यों ने 21 मार्च को दिल्ली में जमात में हिस्सा लिया था। इल्जाम है कि ये लोग बिजनौर के नगीना में जमुना वाली मस्जिद में रुके थे, अब इन्हें होम क्वारंटीन में भेजा गया है। ऐसी ही परेशान करने वाली खबरें मध्य प्रदेश के इंदौर और बिहार के मधुबनी से भी आई। इंदौर में अब तक कोरोना संक्रमण के 50 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। शहर के 26 इलाके सील कर दिए गए, इनमें से एक इलाका है रानीपुरा। 20 मार्च को स्कैनिंग के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ यहां के रहवासियों ने बदतमीजी की।
स्थानीय अखबारों का दावा है कि टीम के सामने मुंह में पानी भरकर उनके ऊपर जूठा पानी फेंकने की कोशिश हुई, गाली गलौज हुई। इसके बाद टीम को अपने साथ पुलिस की सुरक्षा ले जानी पड़ी। बिहार के मधुबनी जिले के गीदड़गंज गांव की मस्जिद में भी 31 मार्च की शाम जांच करने पुलिस गई, प्रशासन की टीम गई और वहां के लोगों ने हमला किया, पथराव और फायरिंग हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि नई दिल्ली के मरकज से लोग आकर यहां रुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, खुद पुलिस अधिकारियों के मुंह से सुनिए। गीदड़गंज में कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहाँ से तबलीगी मरकज ये होता है वहाँ से लोग आ गए, कुछ लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं बाहर से। तो उस सूचना की जांच करने के लिए अंडर थाड़ी वीडियो सीओ और अंडर थाड़ी थाना की टीम गई थी, जहाँ पर उन लोगों के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया, ईंट पत्थर से गोली भी चलाने की बात आई है उधर से किसी क्रिमिनल के द्वारा। तो उस स्थिति में कम बल होने के कारण से लोग पीछे आ गए हैं और उसके में हम लोग पूरा जांच कर रहे हैं कि क्या मामला है क्या नहीं है, उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मस्जिदों में नमाज पढ़ने और मंदिरों में घंटियां बजाने के मौके खूब आएंगे। धर्मगुरुओं की बेवकूफाना बातों को छोड़िए, अपनी जान के वास्ते धर्मस्थलों से और ऐसे धर्मगुरुओं से दूर रहिए जो आपको अकल से, विज्ञान से, आपकी जिंदगी से दूर लेकर जा रहे हैं। आइए अब आपको इस पूरे वाक्य की कहानी फिर से सुना देते हैं। इस बार आपको केंद्र से लेकर देश के हर राज्य में हुई उस लापरवाही की कहानी सुनाएंगे जिसके चलते ये समस्या इतनी बड़ी हुई। तबलीगी जमात में लोगों के फर्जीवाड़े, उनमें कोरोना संक्रमण के मामले और उनका देश के दूर दराज वाले इलाकों में जाना, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और कई राज्य ये सब लपेटे में आएंगे। इन सबको पता था। ये सब सरकारों के बीच आए गए लेटर और SOS कॉल साफ बताते हैं कि जब ये पता चला कि तेलंगाना में संक्रमितों ने दिल्ली में हुई इस जमात में हिस्सा लिया था, तब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 मार्च को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया था कि तबलीगी जमात के 824 विदेशी सदस्यों की पहचान की जाए, संक्रमण के लिए उनकी स्क्रीनिंग हो और फिर उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाए, हो सके तो वापस भेजा जाए। राज्यों को बताना चाहिए कि 10 दिन पहले आए इस लेटर पर उन्होंने कितनी गंभीरता से अमल किया। 28 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक और लेटर लिखकर कहा कि तबलीगी जमात के करीब 2000 विदेशी सदस्य टूरिस्ट वीजा पर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से आए, ये कोरोना संक्रमण के पोटेंशियल कैरियर हो सकते हैं, माने आशंका है कि इन लोगों के चलते संक्रमण फैले। इस खत में केंद्र ने यह भी लिखा था कि 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अतः जमात के लिए मलेशिया से भारत आए लोगों की स्क्रीनिंग फौरन की जाए। यहां जिस धार्मिक कार्यक्रम की बात हो रही है वो मलेशिया में हुई तबलीगी जमात थी। मलेशिया में हुई तबलीगी जमात को दक्षिण पूर्वी एशिया में संक्रमण के फैलने की ज्ञात बड़ी वजहों में से एक माना जा रहा है। थाईलैंड और ब्रुनेई समेत कम से कम आधा दर्जन देशों में सामने आए मामलों को मलेशिया की जमात से जोड़कर देखा जा रहा है। मलेशिया की इस जमात में भारत से भी लोग शामिल हुए, फिर दिल्ली में हुई जमात में मलेशिया से लोग आए। लापरवाही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी हुई। द हिंदू अखबार में होम मिनिस्ट्री आस्क स्टेट्स टू आइडेंटिफाई 824 फॉरेन तबलीगी मेंबर्स, इस शीर्षक से विजेता सिंह की एक रिपोर्ट छपी है। इसमें गृह मंत्रालय के डेटा के आधार पर बताया गया है कि 1 जनवरी 2020 के बाद से 2100 विदेशी नागरिक तबलीग से जुड़े कामों के चलते भारत आए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 6 मार्च से विदेश से आने वाले लोगों की जानकारी राज्यों के साथ शेयर करना शुरू कर दी थी। गृह मंत्रालय के 21 और 28 मार्च के खतों से कहीं पहले देश के कई राज्यों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम को यह बताया था कि उनके यहां मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों का संबंध निजामुद्दीन के मरकज में हो रहे आयोजन से हो सकता है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया। विजेता अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं कि 21 मार्च यानी जनता कर्फ्यू की घोषणा से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल रूम को 65 साल के कोरोना संक्रमित मरीज के बारे में बताया था। ये बात सामने आई कि मरीज 15 फरवरी से अंडमान निकोबार, दिल्ली, यूपी के देवबंद और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक घूमा था। इसी बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को 21 मार्च के दिन ही एक SOS भेजा गया, यानी कि अर्जेंट लेटर। इसमें आशंका जताई गई थी कि मरीज को संक्रमण इंडोनेशिया या थाईलैंड से आए तबलीगी सदस्यों से मिला हो सकता है, जिनसे वो दिल्ली में मिला।
ये शख्स तकरीबन 15,000 लोगों से मिला, बस रेल और फ्लाइट से चला। इसके परिवार के 8 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मेडिकल स्टाफ के 14 सदस्य जिन्होंने इस मरीज का श्रीनगर के अस्पताल में इलाज किया, उन्हें क्वारंटीन किया गया है। ये दिल्ली में हुई तबलीगी जमात में शामिल सिर्फ एक शख्स से जुड़ी जानकारी है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये लापरवाही कितनी महंगी पड़ने वाली है। एक और बात, तबलीगी जमात में आए ज़्यादातर लोग टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आते हैं। इंडोनेशिया जैसे कुछ देशों के नागरिकों को भारत में वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, माने आप फ्लाइट पकड़कर भारत आइए, आपके पास ज़रूरी कागजात हों तो एयरपोर्ट पर ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही गाइडलाइंस जारी कर चुका है कि टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आए लोग धर्म प्रचार ना करें, इसके लिए अलग से वीज़ा मिलता है जिसे कहते हैं मिशनरी वीज़ा। लेकिन तबलीगी जमात में आए कम से कम 824 विदेशी नागरिक ऐसे थे जो टूरिस्ट वीज़ा पर आए और जिन्होंने धार्मिक प्रचार किया। अब इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, हेल्थ क्लियरेंस मिलने पर वापस भेजा जाएगा। लेकिन अगर वीज़ा नियमों को सख्ती से लागू किया जाता तो ये समस्या इतनी बड़ी नहीं होती, और इसलिए तबलीगी पर इस मामले में भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आग लगने पर कुआं खोदने की आपने कहावत खूब सुनी होगी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की है, जिसके बाद राज्यों को आदेश दिया गया कि तबलीग में शामिल सभी लोगों को ट्रेस किया जाए, संक्रमण के लिए जांच हो। काश ये निर्देश ये जागना सरकारों का थोड़ा पहले हो जाता। अब बात करेंगे कोरोना के झूठों की। जो झूठ सुन रहे हैं वो भी, और जो झूठे झूठ फैला रहे हैं उनकी। कई दर्शकों ने गाँव से जुड़ी अफवाहों के बारे में हमें बताया। कहा गया कि शहरों में लोग एसी इस्तेमाल करते हैं इसलिए कोरोना फैला, गांव में कुछ नहीं होगा। ये बात सत्य है कि इस देश के मशहूर डॉक्टर और नारायणा हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने सरकार को चिट्ठी लिखकर सुझाव दिया था कि कोरोना वायरस के इलाज वाले अस्पतालों में सभी एसी बंद कर देने चाहिए, लेकिन ये बात उन्होंने आइसोलेशन के लिहाज से कही थी, कहीं भी एसी को कोरोना वायरस का कारण नहीं बताया था। शौचालयों को लेकर भी अफवाह फैल रही है। गांव में कहा जा रहा है कि शहरों में घर के अंदर शौचालय होते हैं जिससे गंदगी घर में होती है और फैल जाती है बीमारी, गांव में ऐसा नहीं होगा। ये बातें बेबुनियाद हैं। अब आपको कुछ उदाहरण देते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के बयावाड़ी गांव में एक पहाड़ी पर महुए का पेड़ है। 27 मार्च को अफवाह फैली कि इस पेड़ से देवी प्रकट हुई हैं जो लोगों के दुख हरेंगी। वहाँ एक महिला भी आ पहुँची जो खुद को देवी बताने लगी। फिर क्या था, मेला लग गया। वो महिला लोगों को ठीक करने के दावे करने लगी, पूजा पाठ शुरू हो गया। भीड़ बढ़ने लगी तो किसी ने पुलिस को बुलाया और तब भीड़ हटी। कोरोना वायरस को लेकर एक नया टोटका और भी फैलता नजर आ रहा है देश में कि गोबर से सिल उठ जाती है। कैसे, एक सिल पर स्टील की बाल्टी या लंबा डब्बा या फिर टिफिन रख दिया जाता है, फिर उसके आसपास पानी के साथ गोबर लीप दिया जाता है, फिर डब्बे को उठाया जाता है जिसके साथ गोबर में चिपकी सिल भी उठ जाती है। कहा जाता है कि इस टोटके से कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। सच्चाई क्या है, सिल इसलिए उठ जाती है क्योंकि गीला गोबर बाल्टी और सिल को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा इसमें कोई चमत्कार नहीं है, अंधविश्वासों के फेर में मत पड़िए। कोरोना को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं उनका आपने जिक्र सुना, अब एक सत्य के बारे में बताते हैं। 2 दिन पहले हमने आपको पेशेंट जीरो के बारे में बताया था, चीन की वो महिला जिसके बारे में संदेह है कि उसी से कोरोना महामारी फैली, वो पहली मरीज थी। आज वुहान की मांस मंडी के बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिकों के दावे हैं कि चमगादड़ों से इंसानों में कोविड-19 कोरोना वायरस आया। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि चमगादड़ से पेंगोलिन नाम के जानवर में आया और फिर उसके मांस से इंसान में। सब थ्योरी है, कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं, लेकिन एक बात है जो WHO मान रहा है कि कोरोना का संक्रमण वुहान की मांस मंडी से शुरू हुआ। इस मंडी को वेट मार्केट कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द वेट। वेट मार्केट क्यों कहते हैं, इस बाजार में जिंदा जानवर और मरे हुए जानवरों का मांस बेचा जाता है और इसके चलते फ्लोर पर हमेशा पानी फैला रहता है। क्या बेचा जाता है, चमगादड़, झींगा, कुत्ते, बिल्लियां, सांप और कई संरक्षित जानवर। कोरोना के संक्रमण के बाद वुहान और उसके आसपास के शहरों के वेट मार्केट्स को बंद कर दिया गया था, क्योंकि पहली बात तो कोरोना का संक्रमण इसी मार्केट से शुरू हुआ और दूसरी बात वेट मार्केट्स में हाइजीन को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे थे। मांस मंडियों में गंदगी होती थी, फर्श पर खून होता था और बीमारियां फैलने की आशंका ज्यादा, इसलिए वेट मार्केट्स बंद किए गए।
लेकिन अब डेली मेल अखबार खबर दे रहा है कि चीन के वेट मार्केट्स फिर से खुल गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले चल रहे थे। एक चीज़ बदली, अब वहाँ गार्ड तैनात कर दिए गए ताकि लोग तस्वीरें न खींच सकें। बाकी चमगादड़, झींगा, कुत्ते, बिल्लियाँ, सबका मांस पहले की तरह बिक रहा है। डेली मेल ने चीन में मौजूद संवाददाता के हवाले से लिखा कि वहाँ लोग अब कोरोना खत्म होने का जश्न मना रहे हैं। अब वो मान रहे हैं कि कोरोना चीन की नहीं विदेश की बीमारी हो गई है, सब कुछ पहले की तरह हो रहा है। वेट मार्केट्स को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक सवाल उठा रहे थे, वो पहले की तरह चल रहे हैं, कोई नियम नहीं बदले, चीन ने कोई सबक नहीं सीखा, उनकी मूर्खताएं पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ रही हैं और वो वापस अपने ट्रैक पर हैं। हवाला फूड हैबिट्स का दे रहे हैं जबकि देना चाहिए था हाइजीन का। चीन के वेट मार्केट से महामारी फैल सकती है, ये चेतावनी दुनिया के कई वैज्ञानिक दे चुके थे। वायर्ड नाम के वेब पोर्टल में अक्टूबर 2013 में एक लेख छपा था। कोरोना फैलने के बाद ये लेख खूब वायरल हुआ। इसमें वैज्ञानिकों ने चीन के वेट मार्केट्स यानी कि मांस की मंडियों से कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताई थी। और चीन ने क्या किया? इस तरह की किसी भी चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। और अब कीमत हम चुका रहे हैं, 40,000 से ज़्यादा लोग दुनिया में मर चुके हैं। आपने कोरोना के झूठ और सच सुने, अब बात करते हैं एक पॉजिटिव खबर की। ये पॉजिटिव खबर इस वीडियो से शुरू होगी। जी, पंजाब का नाभा। हर रोज की तरह सफाई कर्मचारी घर से कूड़ा उठाने आए तो लोगों ने जोरदार स्वागत किया, बालकनियों से फूल बरसाए, तालियां बजाई। वीडियो में कुछ लोग सफाई वालों को नोटों की माला पहनाते भी दिख रहे हैं। कई स्तरों पर यह वीडियो मन को सुकून देने वाला है। डॉक्टर्स और पुलिस वालों की तरह सफाई कर्मचारी भी लॉकडाउन के योद्धा हैं। इनका रोल इतना ही बड़ा है जितना दूसरी एसेंशियल सर्विसेज वालों का। हम और आप घरों में इत्मीनान से बैठे हैं क्योंकि ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ये रोज़ सुबह घर से कूड़ा लेकर जाते हैं, शहरों और कस्बों को साफ रखते हैं। ये अपना काम करते हैं ताकि गंदगी से जो बीमारियां पनप सकती हैं वो ना पनपें। इनको सैल्यूट करिए, ये हमारे हीरो हैं। और याद रखिए कि हम सरकारों पर लगातार दबाव रखें कि सफाई कर्मचारियों को हमेशा सुरक्षा की किट मिले, उनको ऐसे गटर्स में ना उतरना पड़े और उनकी मौत एक छोटी सी खबर बनकर ना रह जाए। पूरे देश का इन पर ध्यान रहे, आपदा के वक्त भी और उसके बाद भी। और इसी बहाने जो छुआछूत की गंदगी से हम ग्रसित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, उससे भी मुक्त हो जाएं। अब माफ़ी मांगने का वक्त है। नहीं, कोई कांड नहीं किया है। कल एक कविता सुनाई थी आखिरी में, आज भी सुनाएंगे शेर, लेकिन कल एक गड़बड़ हो गई। हमने आपको बता दिया कि ये कविता कुंवर नारायण नाम के महान कवि की है। कुंवर नारायण महान हैं, लेकिन ये कविता उनकी नहीं, एक दूसरे महान कवि केदारनाथ सिंह की है। हाथ जोड़कर गलती के लिए माफ़ी हमारे प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी, और चूंकि मैं टीम का मुखिया हूँ तो सबकी गलती मेरी गलती है, तो मेरे तरफ से भी। अब आखिरी में सुनेंगे निदा फाजली साहब का लिखा एक शेर। क्या है? अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। फाजी साहब की बात पर ध्यान दीजिए, मस्जिदों से, मंदिरों से दूर रखिए अपने आप को, क्योंकि वहाँ कोरोना के संक्रमण का खतरा है। ईश्वर बच्चों में बसता है, ईश्वर मुस्कान में बसता है, बीमारी में नहीं। खुद को स्वस्थ रखिए। और ये जो बहुत सारे लोग धर्म की अपने हिसाब से व्याख्याएं करके आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, उनके भुलावे में मत आइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।